हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आपके सामने जो लेसन या वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आज आपको बस लेंस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आपने बस लेंस को कैसे यूज़ करना है। आपने टाइमिंग या दिन को फाइंड आउट करें कि आज दिन क्या है। उसके अलावा टाइमिंग के बारे में आपको श्योर होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की जो घड़ी है या आपने जो रिस्ट वॉच पहनी हुई है उस पर टाइम एक्यूरेट हो। क्योंकि जब भी आप बस लेंस या रोड्स पे जाते हैं, चाहे आप नॉर्मल ड्राइवर हैं, चाहे आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जब आप रोड्स पे जाते हैं टेस्ट के दौरान भी आप प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेटली आपका इंस्ट्रक्टर आपको एक्सप्लेन करता है कि बस की टाइमिंग को कैसे आपने रीड करना है। तो बहुत से ड्राइवर है वो 7 to 10 AM, 4 to 7 PM, AM, PM के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता चलूं कि ये जो सा AM 7 to 10 AM, ये आफ्टरनून जो दोपहर के 12 बजे से पहले पहले जो टाइम होता है वो AM में आता है। जो दोपहर के 12 बजे से आफ्टरनून से पहले पहले जो टाइम होता है वो AM में आता है। और आफ्टर 12 o'clock आफ्टरनून में, दोपहर के बाद जो 12, 1, 2, 3 बजते हैं तो वो शाम में, इवनिंग में या PM में आता है। तो आपने सबसे पहले AM PM को कंफर्म करना है कि आप समझ सकें कि AM मींस के सुबह के टाइम और PM मींस आफ्टरनून के बाद, 12 बजे के बाद शाम का टाइम। तो जब हम टाइमिंग देखते हैं, जब हम रोड्स पे जाते हैं तो सबसे पहले ब्लू बोर्ड आता है, उस पर दिन लिखा होता है और साथ टाइमिंग दी होती है। फॉर एग्जांपल 7 to 10 AM, उसका मतलब है कि सुबह 7 से 10 बजे तक हम बस लेन को यूज़ नहीं कर सकते, तो 10 बजे के बाद हम बस लेन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सी बस लेंस की टाइमिंग्स होती हैं ये वेरिएबल होती हैं, यानी कि हर जगह आपको ये टाइमिंग्स डिफरेंट मिलेगी। कहीं पे एनी टाइम लिखा होगा कि आप किसी भी टाइम बस लेन पे नहीं जा सकते। सम टाइम सैटरडे संडे के टाइम आपको टाइमिंग डिफरेंट मिलेगी, और जो वर्किंग डेज है मंडे टिल फ्राइडे उस टाइम आपको टाइमिंग डिफरेंट मिलेगी। तो बहुत सी जगहों पे ये टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं। आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने इन बोर्ड्स को, साइंस को रीड करना है। दिन का आपको पता होना चाहिए और एक्यूरेट टाइम का पता होना चाहिए। तो आइए मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने बस लेंस को कैसे यूज़ करना है, उसकी टाइमिंग को कैसे रीड करना है, ताकि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और जब कभी भी आप कहीं से लेफ्ट मुड़ते हैं न्यू रोड पर, साथ ही बस लेन आ जाती है, अगर आपका जो टाइमिंग का बोर्ड है बस लेन का वो अगर मिस हो जाता है तो आप बस लेन को यूज़ मत करें। और जैसे ही आप अगला साइन बोर्ड देखें वहाँ पे रीड करें उस बस लेन के साइन को कि अगर टाइम है, अगर बस लेन ऑपरेशनल नहीं है, आप मेक श्योर करें कि आप इस टाइम जा सकते हो। डेफिनेटली आप बस लेंस को एज अ नॉर्मल लेन यूज़ करें अगर वो ऑपरेशनल नहीं है या आप उसमें जा सकते हैं। तो आपको बोर्ड देखने से, टाइमिंग देखने और दिन देखने से ही पता चलेगा कि आप इस बस लेन को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप साइन मिस कर देते हैं, मेक श्योर करें आप जब तक नेक्स्ट साइन ना देखें आप बस लेन को यूज़ मत करें। लेकिन अगर आप श्योर हैं, आपने साइन देख लिया है और आपको टाइमिंग की समझ आ गई है 7 to 10 या 4 to 7 PM फॉर एग्जांपल, तो आप उस बस लेन को यूज़ करें ताकि इससे ट्रैफिक का जो फ्लो है वो रहता है, क्यूज़ नहीं लगती। बहुत से लोग बस लेन को यूज़ नहीं करते जिसकी वजह से क्यू बिल्डअप हो जाती है और ट्रैफिक का फ्लो इतना नहीं रहता। तो जो भी टाइमिंग होगी उसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिफरेंट एरिया में ये टाइमिंग्स वेरिएबल हो सकती हैं, क्योंकि कुछ बस लेन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया 24/7 ऑपरेशनल रहती हैं, आप उसमें नहीं जा सकते। कुछ बस लेन्स में आप 7 to 10 के दरमियान नहीं जा सकते, और शाम को 4 to 7 के दौरान आप नहीं जा सकते। तो आइए मैं आपको बस लेन की तरफ लेके जाता हूँ, कुछ जो साइन है, टाइमिंग है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और बेटर वीडियोज बना सकूँ। आप इस टाइमिंग में देख सकते हैं 7 AM to 10 AM और 4 PM to 7 PM, यानी कि आप सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 7 days अ वीक, यानी कि इस पे डे मेंशन नहीं किया हुआ जैसे मंडे टिल फ्राइडे या सैटरडे संडे, तो 7 days अ वीक यहाँ पे जो टाइमिंग है इस बस लेन में, जैसा कि ये बस लेन आप देख सकते हैं कि इस बस लेन में जो टाइमिंग है वो 7 to 10 AM, यानी कि सुबह 7 से 10 बजे तक आप बस लेन में नहीं जा सकते और शाम को 4 से 7 बजे तक आप बस लेन में नहीं जा सकते। आप जो सी ये बस लेन यूज़ कर सकते हैं 10 बजे से लेके 4 बजे तक आप ये बस लेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टाइमिंग इस पे दी हुई है 7 AM to 10 AM, आप उस दौरान ये बस लेन यूज़ नहीं कर सकते। इस बस टाइमिंग में आप देख सकते हैं कि इसकी टाइमिंग है मंडे टिल संडे, यानी कि 7 days a week 7 to 10 AM, यानी कि सुबह 7 से 10 बजे तक आप इस बस लेन में नहीं जा सकते, और शाम को 4 to 7 PM इन शाम को 4 to 7 आप इस बस लेन में नहीं जा सकते। तो जब आप बस लेन्स की टाइमिंग्स देखें, मेक श्योर करें आप दिन को ज़रूर देखें, जो डेज़ होते हैं कौन कौन से डेज़ मेंशन किए गए हैं,
उसके अलावा आप सुबह 10 से शाम 4 बजे तक इस बस लेन को यूज़ कर सकते हैं, यानी 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे से के बाद और शाम 4 बजे से पहले आप इस बस लेन को यूज़ कर सकते हैं। आपको सामने बस लेन का साइन नज़र आ रहा है, तो जैसे ही हम नई रोड पे जाएंगे आपने मेक श्योर करना है, आप बस की ये जो टाइमिंग है ये 7 AM to 10 PM, 7 days a week हम सुबह के टाइम इस बस लेन पे नहीं जा सकते। तो ये जो बस लेन होती है ऑलवेज इसकी जो वाइट सॉलिड लाइन होती है लेफ्ट पे, आप जैसे कि देख सकते हैं ये बाउंड्री होती है, हमने इसे क्रॉस नहीं करना होता, हमने रफली मीटर वे दूर रहना होता है। और इसके बाद आप जैसे ही देख सकते हैं ये वाइट लेन बंद हो रही है और यहाँ पे एरो है, यहाँ से लेफ्ट मिरर लेफ्ट सिग्नल लगा के मैं लेफ्ट लेन पे आ जाऊँगा, यानी कि इसके बाद बस लेन नहीं है, यहाँ पे ब्रोकन लाइन आ गई है, यहाँ पे वाइट सॉलिड लाइन है वो अब यानी कि नहीं है। तो जब भी आपने बस लेन को यूज़ करना है आप देखें बस लेन का सबसे पहले जो टाइमिंग बोर्ड है उसको देखें और उसके बाद आप बस लेन में जाएँ। जैसा कि फिर बस लेन आ रही है, मैं इसमें नहीं जा सकता, तो मैंने राइट मिरर राइट सिग्नल लगा के राइट पे आ जाना है और मैंने बस लेन को यूज़ नहीं करना। जैसा कि ये वाइट सॉलिड लाइन लेफ्ट पे आप देख रहे हैं ये बस लेन है, तो जैसे ही ये टाइमिंग आप आगे जंप करते जाएं पढ़ते जाएं तो ये वेरिएशन होती है। और इसके बाद आप जैसे ये देख सकते हैं और यहाँ से जो बस लेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एनी टाइम, एट एनी टाइम यू कॉन्ट गो इन अ बस लेन, तो इसका मतलब है 24/7 आप बस लेन को यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने इससे दूर ही रहना है क्योंकि 24/7 हम इस बस लेन पे नहीं जा सकते, 7 days a week किसी भी टाइम हम बस लेन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह आपने जो बस लेन की टाइमिंग्स है उन्हें पढ़ते हुए जाना है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि फिर बस लेन आ रही है, तो बस लेन यहाँ पे जो टाइमिंग है वो एनी टाइम है, यानी कि हम किसी भी टाइम इस बस लेन पे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने लेफ़्ट मुड़ना है तो आपको यहाँ पे सेंटर मिरर लेफ्ट मिरर सिग्नल लेफ्ट लगा के ये नीचे जो एरो नज़र आ रहा है बस लेन के बाद, आपने यहाँ से अंदर आके अपनी गाड़ी को लेफ्ट मिरर देखते हुए, यहाँ पे बसेस भी हो सकती हैं, स्ट्रेट करके तो आपने लेफ्ट टर्न करना है, क्योंकि बस लेन के बाद हमेशा मार्किंग बनी होगी, नीचे फ्लोर पे एरो बना होगा जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसे यहाँ से आप लेफ्ट लेन में आके लेफ्ट टर्न कर सकते हैं। बस लेन ख़त्म होने के बाद आपको ये जो एरो है वाइट जो लेफ़्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है ये आपको नज़र आएगा, तो यहाँ से आप अंदर आके लेफ्ट मुड़ सकते हैं जंक्शन से। जैसा कि आप ये बस लेन की टाइमिंग देख सकते हैं एनी टाइम, यानी कि इसमें नहीं जा सकते। उसके अलावा ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ब्लू बैक ग्राउंड है, यहाँ पे बस और साइकिल का लाइन साइन बना हुआ है कि आप इस लेफ्ट लेन पे बिल्कुल ही नहीं जा सकते 24/7 या एनी टाइम। तो आपने ये साइंस को देखते हुए जाना है, बस लेन्स को समझते हुए जाना है कि आपने इनको कैसे रीड करना है या इनका मतलब क्या होता है। जैसा कि आप ये नीचे बस स्टॉप का साइन देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम गाड़ी एनी टाइम चला सकते हैं, ये बस स्टॉप होता है, यहाँ पे ये येलो पेंटिंग के साथ लिखा होता है, तो आप बस स्टॉप पे किसी भी टाइम गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन बस लेन्स में नहीं, क्योंकि बस लेन के साथ वाइट सॉलिड लाइन होती है जिसे थिक लाइन होती है, तो वो उसका मतलब कि वो बस लेन है। लेकिन जैसा कि आप जाते जा रहे हैं आपको रोड्स पे लेफ्ट साइड पे कोई भी बस लेन नज़र नहीं आ रही, लेकिन बस स्टॉप्स हो सकते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी जब भी बस स्टॉप देखेंगे उसकी मेन निशानी होती है कि वो समटाइम मोस्टली येलो पेंट में लिखा होगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये बस स्टॉप आगे आ रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बस स्टॉप पे एनी टाइम यानी कि गाड़ी अपनी चला सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे स्टॉप नहीं करनी होती। फॉर एग्जांपल पुल अप ऑन द लेफ्ट जब एग्जामिनर कराता है तो हम बस स्टॉप पे नहीं रोक सकते, लेकिन चलते हुए अगर ट्रैफिक जाम है तो आप बस स्टॉप को यूज़ भी कर सकते हैं, और बस स्टॉप पे हम अगर ट्रैफिक जैम होती है तो उस पर रुक भी सकते हैं। जैसा कि हमारे लेफ्ट पे देख सकते हैं ये साइकिल लाइन है, ये वाइट ब्रोकन लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, तो ये साइकिल लाइन पे आप भी गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन आप इसको टाइमली यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के इस लेसन में आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि आपने बस लेन्स की टाइमिंग को कैसे रीड करना है। आपको दिनों का पता होना चाहिए, आज क्या दिन है, टाइम का आपका जो गाड़ी का टाइम है या गाड़ी के में जो टाइमिंग है आपके जब आप टाइम चेक करते हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। और अगर आपने साइन मिस कर दिया तो आप बस लेन को मत यूज़ करें जब तक आप अगला साइन ना देख लें बस टाइमिंग का कि आप इस टाइम बस लेन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं।
तो उम्मीद करता हूँ आज के इस टॉपिक्स में आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और बेटर वीडियोस बना सकूँ। अपने कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद को इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।